आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुक्ल जी साहित्य के लिए समाज, समाज के लिए साहित्य, इसको अपना अभिप्रेत बनाते हैं। शुक्ल जी केवल सिद्धांत बघारने वाले साहित्यकार नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर के ऐसे सूत्र और ऐसी चीजें देने वाले साहित्यकार हैं जिनसे समाज और साहित्य के एक स्वस्थ संबंध का निर्माण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि के नींव में यह है, केंद्र में यह है, और इस चीज को हम अच्छे ढंग से उनके भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम इस कक्षा में भाव या मनोविकार संबंधी शुक्ल जी के निबंधों का क्या दृष्टिकोण है, उसकी क्या उपलब्धि है, उस पर विचार किया। आगे चिंतामणि भाग एक के और निबंधों पर और उनके और परिप्रेक्ष्यों पर भी हम बात जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।